Rockfeller.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। इस स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे कोरोना वैक्सीन की। सरकार ने कोरोना वैक्सीन को देने के लिए कैसी प्लानिंग की है, हम इस पर आज बात करेंगे। इसके पहले बात करते हैं भारत में कोरोना संक्रमण की। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 25,153 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की 19 दिसंबर की सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ को पार कर चुकी है। 1,45,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। 95 लाख से ज़्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। अभी भारत में कुल एक्टिव मामले 3 लाख से ज़्यादा हैं। भारत में 1 करोड़ से ज़्यादा कोरोना संक्रमण के मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इन सब के बीच कोरोना वैक्सीन से जुड़ी खबरें भी सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए एक डेडिकेटेड वेबसाइट लॉन्च की जाएगी। सबसे पहले आईडी प्रूफ के साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद SMS के जरिए वैक्सीन की दोनों डोज देने से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी। दोनों डोज के बाद QR बेस्ड सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन में नाम, पता, उम्र, मेडिकल हिस्ट्री जैसी जानकारियां पूछी जाएगी। फॉर्म भरने के बाद आपको एक फोटो पहचान पत्र सबमिट करना होगा, उससे ही आपको वेरिफिकेशन किया जाएगा। खास बात यह है कि शुरुआती चरण में हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। पर्याप्त डोज मिलने पर 50 साल के उम्र वालों को भी टीका लग सकता है। एक खास ऐप डेवलप करने की बात भी सामने आई है, उसमें सारा डेटा फीड होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के लिए कई कागजात मान्य हैं। उसमें ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, मनरेगा कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों के पहचान पत्र, हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, पेंशन दस्तावेज, सरकारी कर्मचारियों के सर्विस आईडी कार्ड शामिल हैं। माना जा रहा है कि वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर प्रायोरिटी लिस्ट के आधार पर टीकाकरण किया जाएगा। वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी SMS के जरिए दी जाएगी। केंद्र में पहुंचने के साथ आप रजिस्ट्रेशन में इस्तेमाल कागजात ले जाना ना भूलें। ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशनल वैक्सीन लगाकर आपको ऑब्जर्वेशन रूम में भेजेंगे। वैक्सीन लगने के बाद आपको कम से कम आधे घंटे तक केंद्र पर ही रहने की सलाह दी गई है। किसी तरह की दिक्कत होने पर मौके पर मौजूद हेल्थ ऑफिसर से संपर्क करने की बात कही गई है। इस खबर में इतना ही। बिहार, झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार।